जानेंगे समृद्धि एक्सप्रेस वे की डिटेल जानेंगे। ओके, समृद्धि एक्सप्रेस वे जो एक्सप्रेस वे बनने वाला है, जो सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे है नागपुर से मुंबई की तरफ, उसका काम कितना हुआ है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके, कितना कहाँ तक उसका काम हो चुका है, क्योंकि मई में काम उसका जो रूट है वो शुरू करने वाला है, जहाँ पर औरंगाबाद से शिरडी जो रूट है वो शुरू करने वाले हैं। तो क्या ये पॉसिबल है और क्या ये रूट शुरू हो सकता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे कि काम कहाँ तक पहुँचा है। अगर आपकी तरफ जो भी वीडियो देख रहा है समृद्धि के साइड में रहने वाले, अगर आप लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं रोड की तरफ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है इसकी दीवार का काम शुरू है, जो साइड से दीवार है इसका काम शुरू है। एक्चुअली लगभग पूरा हो चुका है इनका काम, बस थोड़ा बचा है, क्योंकि यहाँ पर काम रुका हुआ था, क्योंकि ये जो देख रहे हो आप लोग, साइड रोड के लिए इन्होंने काम रोक के रखा था, यहाँ के लोगों ने इस पर एक्शन लिया था, तो ये काम बंद था। ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 1 किलोमीटर का काम बंद था, क्योंकि वहाँ से इधर जो लोग रहते हैं उनको जाने के लिए कोई रोड नहीं था, तो साइड रोड के लिए अप्लाई किया था, तो वो मंजूर हो चुका है। लगभग सभी का मंजूर हो चुका होगा जितने भी लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि सेपरेट बजट में इसके लिए बजट निकाला गया था इसके लिए, इस साइड रोड के लिए। तो 10 फुट का जो रोड है ये छोड़ के फिर इन्होंने दीवार बनाई है, लोग देख सकते हो, ये है 10 फुट की अंतर जो इन्होंने छोड़ दिया था साइड रोड के लिए। ओके, ये छोड़ के दीवार बन रही है, ये यहाँ पर काम शुरू है। तो हम ऊपर जाके देखेंगे कि कितना काम हुआ है, चलो चलते ऊपर की तरफ। तो अब हम आ गए हैं रोड के ऊपर की तरफ, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लगभग 70% काम पूरा हो चुका है, जो 30% है उसमें सिर्फ इस डिवाइडर के अंदर जो भी करने वाले हैं, या पेड़ वगैरह लगाने का, फिर लाइट के खंभे वगैरह या केबल वगैरह बिछाने का काम बाकी है अभी उनका। बाकी रोड का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरा हो चुका है, ये देख सकते हो आप लोग, मार्किंग वगैरह जो था वो पूरा हो चुका है। ये है डिवाइडर जो कि काफ़ी बड़ा है, लगभग आएगा 15 से 20 फुट आएगा बीच में का डिवाइडर। ओके, ये मार्किंग हो चुकी है जो कि 3 लेन देख सकते हो आप लोग, ये 1, ये 2 और ये 3, लगभग 3 लेन, मतलब दोनों तरफ से 3-3 लेन का, 6 लेन का ये सुपर एक्सप्रेस वे है। और ये रहेगा इसका कुछ फुटपाथ एरिया या इमरजेंसी स्टॉपेज एरिया रहेगा। ओके, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ जाली बिछाई हुई है, क्योंकि बारिश में जो है ये इसके ऊपर फिर मिट्टी डालने वाले थे, अभी इन्होंने डाली नहीं, मिट्टी डालेंगे, क्योंकि बारिश में क्या है जब पानी नीचे जाता है तो फिर ये पूरा का पूरा यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं बीच में से। ओके, नाली पड़ जाती है, तो इसको बना के फिर वो उसमें कुछ नाली बनाकर पानी निकालने के लिए जगह बनाएंगे। ओके,
और ये है छोटा डिवाइडर, डिवाइडर नहीं साइड का जो डिवाइडर है, ये साइड डिवाइडर है। और आगे जो ये बना हुआ है ये शॉक एक्सीडेंट प्रूफ सीलिंग है, क्योंकि इससे जो एक्सीडेंट होने की चांसेस जहाँ जहाँ है वहाँ इसे सीलिंग इन्होंने बनाई। क्योंकि इस पर क्या होता है, गाड़ी अगर इस पर ज़ोर से धड़कती भी है तो ये फिर से गाड़ी को अंदर फेंक देता है। ओके, इसके लिए ये पूरी यहाँ से वहाँ से नहीं है पर यहाँ पे दोनों तरफ से इन्होंने बनाई है, क्योंकि बहुत ऊंची जगह है, यहाँ काफ़ी ऊंची जगह है। तो वहाँ पे एक रोड बनने वाला है जिसका वो पुल है, जिसका काम शुरू है अभी। ओके, और काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका, तो आप मुझे बताइएगा कि कहाँ तक आपकी तरफ कहाँ तक इसका काम शुरू है। ओके, कहाँ तक इसका काम शुरू है या आप कितना हुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताना, कितना हुआ कितना बाकी है। ओके, बस ये अपडेट आपको देनी थी, न्यू अपडेट, क्योंकि समृद्धि पे कोई वीडियो बनाया नहीं, लास्ट वीडियो मेरा आया था। ओके, जब इसका काम शुरू था, सीमेंट का काम शुरू था इसका, अभी मार्किंग वगैरह हो चुकी है और इसके बाद अपडेट आएगी जब इसका काम लगभग पूरा हो जाएगा, उस वक्त एक अपडेट आएगी। ओके, तब तक कोई अपडेट नहीं आएगी इसकी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।